बल्कि मैं आजकल ये कह भी रहा हूँ कि भाई मैं अगर कॉमेडी कराओगे तो मैं बहुत पैसे लूंगा, मतलब कोई अगर गुंडा भी कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा थोड़ी बोलता है जब गुस्से में होगा तो वो माँ बहन ही करेगा ना। एक जगह मुझे बुलाया था तो उन्होंने बोला कि ऐसे मीटिंग में उन्होंने बोला सी इट्स नॉट एन इनफाइनाइट सीरीज, इट्स ए फाइनाइट सीरीज, हम लोग केवल 200 एपिसोड बनाएंगे। शुक्ला एंड वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ डिजिटल कंपेनियंस अनफोल्डिंग स्टारडम। आज हम जिस शख्स से मिलने वाले हैं उन्हें चंद एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं, पर ये दो लाइनें उन्हें सबसे बेटर डिस्क्राइब करती हैं कि ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आइए इस बड़े शख्स से मिलते हैं। टीटी में मुझसे जो मेरे घर आते हैं कम से कम बहुत कम लोग हैं जो मुझसे जीतते हैं। Really? हाँ, आज देख लेंगे सर, आज इतिहास बदलेगा। चलो तो बैठे हम लोग। Should we take a tour of your house, sir? यार, if you don't mind, I mean like because we do that. मतलब अब माइंड तो मैं करूंगा, पर तुमको आ गए हो तो दिखाना पड़ेगा। हालत बहुत अच्छी नहीं है, बस कम कम इतना सुंदर तो है। ये है मेरा किचन, छोटा सा, जो कि अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, as you can see. काफी काफी सही है सर। हाँ, वो तो तुम बैचलर्स के घर जाते हो ना इसलिए। हालांकि मैं थोड़ा ऐसा मैच्योर्ड बैचलर हूँ। और this is your thinking ये room, थिंकिंग रूम, और हाँ मतलब कभी कभी मैं इधर, और गेस्ट रूम यू कैन से। आई कैन सी एन अवार्ड सर। अरे हाँ, ये कुछ प्ले किया था मैंने तो इसका। दिस इज फॉर लाइक मुकेश छाबड़ा। हाँ, मैंने प्ले किया था एक मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के साथ, एक वर्कशॉप की थी और साथ में प्ले किया था, तो ये मुकेश ने हमको दिया। Very nice, sir. Very nice. तो ये बेडरूम है। यहाँ ये टीवी है, इस पे सिर्फ नेटफ्लिक्स होता है, चिल नहीं होता। There is no chill, just Netflix. Just Netflix. Just Netflix. Oh, you have some good books also, sir. हाँ यार, great short stories. वो एक आदत है कि मैं पढ़ते पढ़ते ही मुझे नींद आती है, नहीं तो आती नहीं, तो मैं कुछ भी बिना पढ़े नींद आती नहीं है। यू आर एन एनएसडी पास आउट सर, सो चाय और थिएटर इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड सर। हाँ ये है, बट यार ये भी ऐसा बहुत क्लीशे है, मैं तुमको पिलाता हूँ कॉफी। हाँ, तो मैंने वो जो बना के रखा है एक, दिस इज हाउ रिच मैन लिव्स। हाँ जरूर। हाँ मतलब इसमें कोइंसिडेंटली ऐसा है कि ये कॉफी भी थोड़ी स्पेशल है। ये भी मैं कुछ दिन पहले इजिप्ट गया था, तो ये बड़ी स्पेशल कॉफी है, येमनीज अब्दुल माबूद नाम के एक जॉइंट से, जहाँ बड़ी भीड़ होती है। तो मैंने इसका वो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, वो जो कॉन्कॉक्शन बना के रखा हुआ ऑलरेडी। तो हम, तुमको ब्लैक कॉफी चाहिए कि नॉर्मल? क्योंकि मैं ब्लैक पीता हूँ। I'm cool with black. ब्लैक ना? Yes. तो हम लोग दो मिनट में ब्लैक कॉफी बनाएंगे इससे। और लवली। तो सर, यू आर फ्रॉम नैनीताल, राइट? यस, आई एम फ्रॉम नैनीताल। सो यू आर लाइक बोर्न एंड ब्रॉट अप एवरीथिंग ओवर देयर। यस। सो टेक अस थ्रू दैट जर्नी सर, हाउ वाज इट, हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक, एंड हाउ वाज एवरीथिंग वहां पे? How was living in Nainital? यार नैनीताल तो बहुत ही खूबसूरत शहर था जब मेरे बचपन में, और उसका एक अपना कल्चर था, लोग
शाम को घूमने जाते थे मॉल रोड में, तो वो सब बड़ा ही सुंदर था. मतलब जैसे मैं अभी, किसी ने मुझे उस पर व्हाट्सएप पे एक फोटो डाला है कि नैनीताल में कुछ 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा है. 8 किलोमीटर और गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है. माय गॉड, तो इतना बुरा हाल हो गया है. तो अभी तो मुझे डर लगता है जाते हुए भी, क्योंकि अभी बहुत ही, क्या बताएं, मैं समझ नहीं आ रहा ये कैसे इस चीज को कंट्रोल करेंगे हम लोग. मेन नैनीताल नहीं जाता, उसके आसपास जाता हूँ. अच्छा, तो वही, तो मैं नैनीताल में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा और स्कूलिंग सब वहीं हुई. और उसके बाद मैंने, जब मैं 11th में था, तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया. एक ग्रुप है नैनीताल में, युगमंच नाम का, जो अभी भी एक्टिव है. अभी भी वहाँ रेगुलरली प्लेज होते हैं, वो लोग वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों की वर्कशॉप्स करते हैं. तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया. मेरा बड़ा भाई जाता था पहले, फिर मेरा एक दोस्त भी जाता था, तो उनके साथ मैंने भी ज्वाइन कर लिया. और फिर वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई. वहाँ से NSD आ गया, NSD से बॉम्बे आ गया. तो ये है बात. हाँ, शुरू करें. एक मिनट, कॉफ़ी बन गई होगी. श्योर, कॉफ़ी लेके आता हूँ. इजिप्शियन कॉफ़ी पियेंगे आज. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. दैट्स सो स्वीट. ये है बात. चीयर्स टू दैट सर. चीयर्स. रियली गुड कॉफ़ी. तो सर, यू डिड BSc इन केमिस्ट्री. BSc हमारे यहाँ ना वैसा नहीं होता, वो एक सब्जेक्ट वाला. हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट लेने होते, तो ZBC, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री. सो फाइनल ईयर में केमिस्ट्री मेरा, मैं अगर NSD नहीं आता तो मैं केमिस्ट्री से MSc करता, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं ठीक ठाक था. तो हाँ, सो दैट्स हाउ यू वेंट. सो सर, दे से केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज, राइट? चेंज, यू नो. सो when did this change happen in you, ki you want to get into, you know, acting and you want to take this up full time? नहीं यार, वो पहले हो गया था actually. वो तो जब मैं 11th में theater group join किया युगमंच नैनीताल में, तो उसके बाद हमने वहाँ plays करने मैंने शुरू किया. और फिर एक बार एक play का show NSD में था. okay. तो NSD में शो था, तो मैंने वहाँ देखा, तो मैंने भाई ये बहुत कूल स्कूल है यार, यहीं आना है. और उसके बाद मैंने ठान लिया कि इसके लिए अपन ट्राई करेंगे. तो उसके बाद मैं पढ़ रहा था, लेकिन साथ साथ मैं थिएटर की तैयारी बहुत करने लगा था. मैं नैनीताल में एक लाइब्रेरी है बड़ी सुंदर सी, तो वहाँ से मैंने मेम्बरशिप ले ली. वहाँ जितने प्लेस थे वो सब मैं पढ़ रहा था. तो उस वक्त बहुत सारे प्लेज मैंने वहाँ के जो वहाँ अवेलेबल थे वो सब पढ़े. मतलब और वो पढ़ाई काम आई NSD में. ये ग्रेजुएशन के पहले की बात? ग्रेजुएशन के पहले की. और फिर ग्रेजुएट होते ही मैं NSD में चला गया. तो सर, पहले अटेम्प्ट में मेरा NSD में हो गया. फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, तो वो काम आ गई पढ़ाई. क्या बात है सर. व्हाट वाज योर बैच सर? एक मिनट. हाँ, दिस इज अ बिजी एक्टर. नो नो, सॉरी, मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया. अब ये डिस्टर्ब नहीं होगा. सॉरी. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. या NSD यस. तो मैं 96 to 99 में NSD में था. ओके. 3 साल का कोर्स होता है, तो 3 साल मैंने वो कोर्स किया. उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया. सो हाउ वाज इट लाइक सर? मतलब बॉम्बे में तो आपके कोई कनेक्शंस नहीं होंगे एज इन ओवरऑल? उतने ही कनेक्शंस थे जितने NSDians के होते हैं. तो हमारे कुछ सीनियर्स ऑलरेडी यहाँ थे, तो थोड़ा बहुत उनसे जान पहचान, जो कि खुद अभी बिगनिंग फेज में थे. तो जैसे आते ही उस वक्त, हालांकि कुमुद मिश्रा ऑलरेडी स्टार थे. वो एक सोप करते थे, डेली सोप, उसमें वो बहुत स्वाभिमान नाम का, जिसमें वो स्टार थे ऑलरेडी. तो हम उनके पास जाते थे, उनसे वो एक तरह के हमारे एज अ मेंटोर टाइप थे. और हम सेम कॉलोनी में रहते थे, तो वो तब हमारे पास कोई काम नहीं था, तो वो कहते थे कि चलो ऐसे नहीं, सुबह कुछ खेलो कूदो. तो हम लोग सुबह, वो कैप्टन होते थे, हम सब फुटबॉल खेलने जाते थे सुबह क्रिकेट खेलने जाते थे उनके. तो वो सबको उठाते थे, चलो मैं चलो घर पे नहीं पड़े रहना है. तो ऐसा कुमुद जी के साथ बहुत मज़ा आया था शुरुआती दिनों, और अभी भी ऐसी पक्की दोस्ती है. और वो
एक्टर भी बहुत अच्छे हैं कुमार मिश्रा, तो उनसे वैसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर उसके बाद यू स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स राइट, यू गॉट आपकी पहली फिल्म आई फिर उसके बाद। मैंने मुझे कुछ कहना एक फिल्म की थी और तेरे नाम की थी। Oh, it's a revelation. Not many people would know about this actually. Now when they see, नहीं लोग जानते हैं पुराने, हाँ मतलब हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता तो, बट वो हाँ मैंने की थी उस टाइम पे। फिर वो बहुत सारे तेरे नाम क्योंकि हिट हो गई तो बहुत सारे दोस्त हीरो के दोस्त वाले रोल आने लगे। तो फिर मैंने कहा नहीं यार अब मैं, फिर मैंने कुछ दिन नहीं की फिल्में, ब्रेक लिया, ब्रेक मतलब मैं थोड़ा थिएटर करने लगा। तो बहुत फिर हम पृथ्वी में बहुत सारे प्लेज और ये सब हम करते थे। फिर मैं कुछ कर रहा था बट मैं वो वीक दैट वॉजेंट हमेशा कर रहा था उस बीच भी। वीक दैट वॉजेंट एक शो है जो अब 12-13 साल हो गए उसको चलते हुए और 10 साल से मैं कर रहा हूँ अभी भी। हाँ तो वीक दैट वॉजेंट मैं कर रहा था और साथ में थिएटर कर रहा था। तो वैसा है तो उस वीक दैट वॉजेंट ने काफ़ी ऐसा सस्टेन करने के लिए काफ़ी मदद की। तो सर वो टाइम पे एक्चुअली ऑडिशंस कैसे होते थे? आई मीन आई डोंट थिंक कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसा करके कुछ था वो टाइम पे ऐसा। हाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स थे भी तो इतने पावरफुल नहीं थे और वो एक्चुअली नहीं थे। और आप सीधे प्रोडक्शन हाउस में, और अभी तो इतना चेंज हो गया ज़माना, पहले आप वो फ़ोटो खिंचवाते थे और फ़ोटो के पीछे अपना नाम और नंबर लिख के आप प्रोडक्शन हाउस में जा के देते थे खुद से। और बस वही होता था, फिर वो किसी ने आपका फ़ोटो देख लिया, नंबर पढ़ा, उसमें से फिर फ़ोन आता था, फिर जाके आप ऑडिशन दो। और लवली आप मुझे नहीं लगता आप कोई फ़ोटो देता है, अभी नहीं देते ना कोई, भी सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन सब अपना वीडियो भेज दो, ये सब अप्लाई करते रहते हैं ऑनलाइन ही ऑनलाइन, इतने सारे सब फोटो भी मेरे ख्याल अभी तो वही वाला भेजते हैं ना सब, और एवरीथिंग डिजिटल सर, डिजिटल है। आई वाज रीडिंग कि आपने अपने दृष्टांत करके, दृष्टांत मैंने शुरू में किया था जब मैं आया ही था, वो भी बहुत नहीं था, वो कुछ मैंने किए होंगे कोई 6-7 एपिसोड और पहले इतने बनते भी नहीं थे ना, पहले जब हम आए थे तब ये शुरू ही हो रहा था डेली सोप वाला की 500-500 तब इतना नहीं था। तो दृष्टांत एक दूरदर्शन का शो था जो पंकज कपूर डायरेक्ट करते थे, तो उसमें कुछ एपिसोडिक काम किया 5-6 एपिसोड्स में। और फिर गोदान भी किया है, गोदान भी किया है बट वो भी लंबा नहीं है, वो गुलजार साहब का ये है सीरियल है जो दूरदर्शन के लिए बना था, वो भी गोदान के होंगे मेरे ख्याल 3 या 4 एपिसोड की कहानी है वो। बट वो तो गुलजार साहब के साथ करने का मौका था तो कुछ भी उनके साथ सवाल है कभी भी करना ही है मतलब। तो ऐसा उस तरह से टीवी नहीं किया कुछ, बहुत सोप और वैसा डेली सोप ऐसा नहीं किया, अभी भी आते हैं लेकिन वही है वो अब इतने वो बोलते हैं कि जैसे भी मैं एक जगह मुझे बुलाया था तो उन्होंने बोला कि ऐसे मीटिंग में उन्होंने बोला सी इट्स नॉट एन इनफाइनाइट सीरीज, इट्स ए फाइनाइट सीरीज, हम लोग केवल 200 एपिसोड बनाएंगे एंड वी आर नॉट लाइक अदर प्रोडक्शन हाउसेज, वी शूट ओनली 26 डेज अ मंथ। मैंने कहा बाकी क्या 35-36 दिन कर रहे हैं महीने में तो, यही हाल है सर तो वही है वो, या तो आप फिर अगर आपने एक बार हाँ कह दिया तो फिर आप कुछ और कर नहीं सकते। तो मोनोटनी भी हो जाती है ना एक पॉइंट के बाद, बिकॉज़ यू डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वही है आप फिर चूज करना है आपको, या तो आप बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग काम कर लो या एक, क्योंकि उसके बाद तो कुछ टाइम आपको बचने वाला है नहीं। सही बात है, एंड 14 आवर्स अ डे, हाँ, 2014 आई थिंक यू डिड स्केच विद TVF, कहानी कुरुक्षेत्र की, उसकी कहानी है कि वो निधि बिष्ट जो है तब मेरे साथ एक प्ले कर रही थी। तो निधि ने मुझे बोला कि आप करेंगे, तो मैंने कहा करेंगे बिल्कुल, और वो मैंने किया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, मुझे लगा ये तो बहुत ही सही अलग तरह का काम था। और फिर धीरे 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 वो बड़ा होता गया और आज तो TVF बड़े बड़े शोज कर रहा है, मतलब मैमथ नाउ। हाँ तो, मतलब सब बड़े क्वालिटी वाइज
क्वांटिटी वाइज सब बड़ा हो गया है, मतलब टीवीएफ के शोज तो जैसे वो कोटा फैक्ट्री में देख रहा था, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत अमेजिंग शो, अमेजिंग शो तो, और व्यूज भी हैं बहुत, एंड इट इज मतलब वे इट इज मेड आल्सो, इट इज मेड इन अ वेरी वेरी, एंड वो इतनी रिलेटेबल है ना स्टोरीज, आपको लगता है मेरी कहानी है या मेरे किसी दोस्त की कहानी है, सही बात, ऐसा फेक नहीं है. Then you worked with AIB also, sir. AIB also. AIB, yes. AIB actually, when the Honest series came about, your career escalated, must have escalated to another level because हम लोग repeat पे देखते थे sir. Honest wedding specially. Honest wedding, हाँ. It was just madness. हाँ. So you miss collaborating with AIB? Yes, यार मुझे लगता है कि वो एक अच्छा वो था जो ये हो गया unfortunately, but हाँ ऐसा ही है. वो भी और आशीष के साथ पुरानी दोस्ती ना, आशीष चाकिया वो वीक दैट वॉज इन के लिए लिखता था, ही वॉज द मेन राइटर, फिर उसने छोड़ के वो AIB चला गया, तो AIB से वो ही कनेक्शन है, तो आशीष ने फिर मेरे को इन सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, तन्मय और रोहन और ये सब. Then तो sir you didn't stop only, then you worked with Aray, then you collaborated with everyone, RBCJ. जो आता रहा सामने तो. So, आप स्केचेस में भी चूजी होते हो कि यू डू इट कि देख के कि हाउ द कंटेंट इज? यार मैं पहले मतलब AIB और TVF के साथ तो मेरा उतना कुछ होता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग ठीक ही, क्योंकि इतनी स्ट्रांग उनकी राइटर्स की टीम है, और वो AIB में हो या इसमें हो, राइटर्स वो प्राइमरीली राइटर्स हैं, तो वो अच्छा ही लिखते हैं. मैं बाकी जगह मैं देखता हूँ कि यार मुझे स्क्रिप्ट भेज दो या ये, और TVF और AIB में एक ट्रस्ट है कि ये लोग ठीक ही काम करेंगे. वो बाकी कहीं से आते तो मैं एक बार स्क्रिप्ट पढ़ना प्रेफर करता हूँ. सो सर देन यू डिड अ वेब सीरीज आल्सो विद TVF, बैचलर्स हाँ, जिसमें आपने विलेन का रोल किया था. हाँ, एंड इन पिक्चर्स करेक्ट, एंड फिर देन यू ट्रांजिशन फ्रॉम दैट टू दिल्ली क्राइम राइट नाउ. हाँ यार, that because those were very comical roles, and correct. Then this time Delhi Crime, it was a very serious role of a cop, Sudhir Kumar, right? Correct. So Sudhir, how did you transition into something like that, or ye andar se calling thi? Yaar haan bahut, kyunki mere ko bhi lag raha tha ki ek tarah ke kaam aa rahe hain aur ek hi tarah ki image ban rahi hai, to typecast hone ka dar tha. Haan typecast, to mujhe maine socha hi tha, aur main abhi bhi usi us pe hu ki main ab thoda sa चूज करके जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो, और थोड़ा तो वो मुकेश छावड़ा ने मतलब मैं बहुत पहले से मुकेश को जानता हूँ NSD के दिनों से, तो मैं उस मुकेश ने मुझे हमेशा कहा था कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, और वो ये रोल आया तो मैं मतलब ये इसका क्रेडिट पूरा मुकेश को जाता है, और बहुत मज़ा आया. और यू आर अमेजिंग सर. हाँ मतलब बट वही है कि वो ट्रस्ट करना ना, बिकॉज क्या होता है हमारे यहाँ ऐसा है कि इसको ऐसा ऐसे रोल में देखा है तो ये यही कर पाएगा या यही कर सकता है, तो वो ट्रस्ट ज़रूरी है, और अब इसलिए मैं थोड़ा चूज करके कर रहा हूँ चीज़ें कि ऐसा एक इमेज ना बने ऐसा. सो विल बी, आप हम लोग आगे देखेंगे आपको और भी सीरियस रोल्स में सर. हाँ मतलब उम्मीद तो है. देखते हैं, बट वही है कि लोग यहाँ मतलब एक्टर्स के हाथ में बहुत कुछ है नहीं ना. वो तो आपको जो रोल दिया है उसको आप बस 100% निभा लो. जो डिसीजन मेकिंग है वो एक्टर्स के हाथ में नहीं है, तो मैं चाहता तो हूँ अलग अलग तरह के रोल आए, और अलग अलग जैसे थिएटर में, इसीलिए थिएटर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप वहाँ बहुत कुछ कर सकते हो. तो मैं हमेशा बोलता हूँ थिएटर एक तरह का लैब है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो वैसे अगर रोल्स आएंगे तो आप अभी आज भी यू आर एक्टिव इन द थिएटर सर्किट. यस. सो थिएटर टेंड्स टू बी सर बहुत पॉलिटिकल भी होता है थिएटर, बिकॉज देयर इज नो CBFC देयर, राइट? सो देयर हैज टू बी पॉलिटिकल कंटेंट भी वहाँ से बहुत निकलते हैं. पॉलिटिकल कंटेंट नहीं निकलता यार थिएटर में, आप कह रहे होते हो कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ, और कोई भी इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप की सोसाइटी से डील कर रही है तो पॉलिटिक्स तो आएगी. पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है. अगर मैं किसी एक
अंडरडॉग किसी एक गरीब आदमी की कहानी कह रहा हूँ तो पॉलिटिक्स तो है ही ना, पॉलिटिक्स तो सब कुछ है। तो वो तो इसलिए हम लोग क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानियाँ कह रहे होते हैं थिएटर में तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल बात है, लेकिन बात यह है कि उसकी रियल रियल बातें होती हैं, रियल बात है वो। तो सर आप व्हाट आर योर पॉलिटिकल व्यूज सर? मेरे पॉलिटिकल व्यूज यार मतलब अभी तो देख रहे हैं जैसा आ रहा है, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अभी बन रहे हैं मेरे। आप अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग सर आप लिरिक्स भी लिखते हैं? लिरिक्स भी लिखता हूँ बट बहुत कम, दोस्तों के लिए लिखता हूँ, जैसे प्रोफेशनली खुद से नहीं आता, बट जो फिल्म मेकर्स या जो जैसे मैंने जिंगल्स लिखे हैं और गजराज राव जो कि अब बहुत पॉपुलर एक्टर हैं वो हो गए हैं, वो बहुत बड़े थे एड फिल्म डायरेक्टर भी हैं, उनके लिए मैंने बड़े सारे जिंगल लिखे हैं। और एक होली हॉस्टल नाम की एक उनकी बहुत ही खूबसूरत 3 मिनट की फिल्म है आई डोनेशन पे, अच्छा, तो उसका गाना मैंने लिखा है। ओके, ओके। वो बहुत सुंदर है, उसको कांस वांस में अवार्ड भी मिले। क्या बात है। तो वो तो मैंने उनके लिए लिखे होंगे 7-8 जिंगल गजराज जी के लिए, फिर सर आपने गाने बुधिया सिंह के लिए भी लिखे हैं? हाँ, बुधिया सिंह के गाने लिखे हैं, फिर एक चिल्ड्रन ऑफ वॉर नाम की फिल्म में उसके गाने लिखे हैं, डेविड फिल्म में एक या दो गाने लिखे हैं, डेविड में भी, लव पर स्क्वायर फुट में भी, लव पर स्क्वायर फुट में भी गाने लिखे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर आप स्क्रीन राइटर भी हैं? मतलब यार वो उतना नहीं है, वो तो कभी कभी जब हाँ मतलब लिख वो उतना अभी ना टाइम है वो, क्योंकि मुझे लगता है राइटिंग में बहुत एनर्जी चाहिए। वो तो ऐसा एक्टिंग में क्या है कि आपने किसी को दिया हुआ है, आप किसी ने लिख के दिया हुआ है, कोई आपको शूट कर रहा है, आप गए और आपने कर दिया, और क्योंकि इतने साल से एक्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा ईजी लगता है, बट राइटिंग वो सुबह से लेके शाम तक बैठ के फोकस करना बड़ा डिफिकल्ट काम है, इसलिए मैं इतना नहीं करता। ये आपने वो वाई फिल्म्स के लिए लिखी थी ना? वाई फिल्म्स के लिए लिखा पप्पू था, एंड पापा, पप्पू एंड पापा विद आनंद तिवारी। हाँ, आनंद तिवारी ने वो प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट, नहीं डायरेक्ट नहीं किया था, प्रोड्यूस किया था, और मैंने और देवांग ने लिखा था, वो वही था, और वो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में वो हुआ, वाई फिल्म्स ने मुझे बताया कुछ 25-26 लैंग्वेज में वो डब किया उन्होंने, और बट वही है उसमें बहुत टाइम लगता है राइटिंग में, टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी बहुत कम कर रहा हूँ, राइटिंग नहीं कर रहा हूँ उस हिसाब से। तो सर एनी शो आप जो खुद क्या बोलते हैं बना रहे हैं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कुछ नया लिख रहे हैं आप? नहीं लिख नहीं रहा यार, मैं गाने लिख रहा हूँ, एक फिल्म है अभी, एक छोटी स्मॉल बजट फिल्म है शहर नाम की, उसके गाने लिखे हैं अभी, तो वो अभी प्रोसेस में है वो। सो सर आपने टेलीविजन में भी किया है, फिल्म्स भी किए हैं, डिजिटल मीडियम में भी किया है, व्हिच इज द मीडियम दैट मेड गोपाल दत्त गोपाल दत्त? यार ये तो मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मुझे पता नहीं है, बट मुझे तो मज़ा आता है हर मीडियम में ही, और डिजिटल का मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो उस तरह का सेंसरशिप नहीं है, छूट है थोड़ा सा, आप जो कहानी कहना चाहो कह लो, और जो जिस भाषा में कहना चाहो वो कह सकते हैं आप, मतलब कई बार जो टीवी में या फिल्मों में हम देखते हैं तो वो भाषा है जो जिसमें कभी कोई बात ही नहीं करता ना, मतलब कोई अगर गुंडा भी कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा थोड़ी बोलता है, जब गुस्से में होगा तो वो माँ बहन ही करेगा ना। तो वो जो है मेरे ख्याल वो एक छूट मिली है डिजिटल को, तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है डिजिटल मीडियम का। सर नाउ दैट यू आर एन एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी, ऐसा है नहीं वैसे बट चले है सर होता है। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन स्टोर फॉर यू सर? यार देखो अभी चल रही हैं बातें, तो अभी मैं फिल्म्स में देखेंगे हम आपको, फिल्म्स में बातें चल रही हैं, हाँ बिल्कुल जरूर देखेंगे, कोई नेटफ्लिक्स या अमेज़न सीरीज में भी? हाँ तो कुछ सर कोई स्कूप मिल जाए हमको भी, सो दैट हमारा प्रोमो बन जाए उसे। ये ऑफिस तो आ ही रहा है, ऑफिस तो हॉटस्टार पे आने वाला है। एंड फिल्म्स? यार फिल्म्स अभी चल रही हैं बात, अभी एक फिल्म है बट उसका नाम अभी, एक साउथ की फिल्म है जिसका रीमेक होने वाला है, अभी उसका नाम कुछ डिसाइड नहीं है और तमिल नाम कुछ बहुत कठिन है।
जो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे. तो उस वो है, उसकी बात चल रही है और देखते हैं. सो यू विल स्टिक टू कॉमेडी और सर कि आप चाहते हैं कि आप भी सीरियस? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ अलग अलग तरह के रोल्स आए और अलग अलग, क्योंकि आपको भी अपने आप को भी चैलेंज करना होता है ना. तो क्योंकि सर हम तो चाहते हैं कि आपको और ऐसे सीरियस रोल्स देखें, बिकॉज़ दिल्ली क्राइम इट वाज यू वर फेनोमेनल सर इन इट. हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आया यार, मुझे सचमुच मज़ा आया. और मैं ऐसे और भी एक्सप्लोर करूँगा, मैं तो चाहता हूँ करना. मैं बल्कि मैं आजकल ये कह भी रहा हूँ कि भाई मैं अगर कॉमेडी कराओगे तो मैं बहुत पैसे लूँगा. आप दूसरा मुझे इंटरेस्टिंग रोल दो, मैं कम पैसे में कर लूँ. सो कास्टिंग डायरेक्टर्स यू बेटर वॉच आउट. सुन लो यार, सुन लो. तो सर आई मीन अभी तो आप टच हो रही हो और यू आर वेरी गुड सेटल्ड एंड एवरीथिंग. तो सर ऐसा है नहीं, पर मैं मान लेता हूँ. ठीक है. हाँ. You still have थोड़ा materialistic need कि अभी सिर्फ आर्ट के ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं? यार मुझे लगता है बैलेंस होना ज़रूरी है. One for the kitchen, one for the soul. हाँ वही, क्योंकि ये शहर इतना महंगा है और तो और वैसे भी इन एनी केस थोड़ा बैलेंस रख, हर चीज़ में थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए. जैसे कई बार आप जो कमर्शियल और उसके चक्कर में इतना वो चले जाते हो कि वो ब्रेनलेस हो जाती है चीज़ें. और कई बार आर्ट में भी आप इतना इलीट निकल जाते हो कि सबके परे हो जाती, सबके परे हो जाता है कि वो मतलब कुछ चार लोगों को ही बात समझ में आई वैसा वाला. तो मुझे लगता है एक बीच का रास्ता होना चाहिए, वो जो दोनों को साथ लेके चले. और ऐसी फिल्में, ऐसा सीरीज़ बहुत सारी आ रही हैं जो दोनों चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करती हैं, तो वो बेस्ट वे है आई थिंक. एंड सर थोड़ा वी आर ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग सर. ब्रिलियंट. पूछा था कि सर व्हाट इज योर टेक ऑन रिलेशनशिप्स और मैरिजेस, व्हाट यू थिंक अबाउट इट? यार ये तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत बदल रहा है. जैसे जो जो हमारे पेरेंट्स की जेनरेशन थी उससे तो अभी बहुत बदल रही हैं चीज़ें. और पता नहीं जैसे 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 समाज बदलता है, सोसाइटी बदलती है, आई थिंक उसका परिभाषा चेंज हो रही है, चेंज होता है रिलेशनशिप्स के भी वो. और बड़े इसीलिए शायद बड़े शहरों में बहुत टिकते नहीं रिलेशनशिप्स बहुत सारे. तो पता नहीं अभी बहुत चेंज हो रहा है. और मतलब मैंने भी देखा है ये कि लोग कैसे बहुत सेल्फ अवेयर हो चुके हैं और इंडिविजुअल सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो वो कई बार क्लैश होता है उसकी वजह से, उसकी वजह से टिक नहीं पाते. तो मेरे ख्याल उसमें भी वही बैलेंस चाहिए कि आप अपना इंडिविजुअल सेल्फ से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा, क्योंकि आपको जब भी आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में होते हैं तो एक अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ता है. और मुझे लग रहा है जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज हैं, उसमें आदमी इतना वो हो रहा है धीरे धीरे, जो पूरा सेल्फी कल्चर है, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका पड़ता है हर चीज़ पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे रिश्ते हों. तो रिलेशनशिप में होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए. क्यों नहीं होने चाहिए? सो सर वी हैव दिस स्मॉल सेगमेंट दैट वी डू, इट्स कॉल्ड दिस और दैट. Oh. It's like DC का rapid fire round, sir. Okay. So, sir, this or that. This or that. So, आपको choose करना है दो तीन, अब मैं आपको option मिलेगा क्या मुझे? Sir, you will be featured on Digital Companions Unfolding Stardom, sir. So, sir, start करें. हाँ. So, sir, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी. ओमपुरी. Bachelors और Delhi Crime, sir. Delhi Crime, any day. TVF और AIB? यार ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब तो AIB है भी नहीं, ये तो सवाल ही वैलिड नहीं. बट स्टिल वो लोग भी देखेंगे सब लोग इंटरव्यू. AIB है ही नहीं तो अभी क्या. सो TVF, ओके. सर सुमित व्यास और नवीन कस्तूरिया? सर बोथ यार. हालांकि सुमित व्यास, सुमित को मैं बहुत, हम मैं और सुमित
करीब एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्लेस साथ में किए, बहुत सारे, और हमने क्या स्टेज पे मतलब हमने पागलपन किया है वो सुमित से पूछना कभी, हमने बहुत क्रेजी टाइम गुजारा है स्टेज पे। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस। हो गया क्या? दिस इज डन सर। ओ ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन योर हाउस सर। अरे इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। आई लव्ड योर कॉफी, आई लव्ड योर हाउस, एंड we love you sir. Oh, thank you. Maybe that thank everybody you, knows. सर हाँ, वो हम लोग एक सीटीए करते हैं। हाँ हाँ, सब लोग करते हैं सीटीए, हम लोग क्या हम लोग भी करते हैं सीटीए। करें क्या सर? चलो आ जाओ फिर। सो इफ यू लाइक दिस इंटरव्यू, यस दिस एपिसोड, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू डिजिटल कंपेनियन। यस प्लीज डू।